लखनऊ से खबर, जहां पर छत पर खून से लथपथ एक शव मिला है। एक परिवार जो कि इस वक्त जहां पर मातम पसरा हुआ है, दरअसल उस मकान के छत पर एक शख्स का शव मिला। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर उस परिवार से जुड़े हुए लोग और वहां के करीबी रिश्तेदार उस परिवार के इस वक्त जो कि गम में है, दर्द में है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर हत्यारा कौन है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि एक शख्स अगर आत्महत्या भी करेगा तो फिर आत्महत्या आमतौर पर फांसी लगा करके, जहर खा करके या फिर नदी में डूब करके या इन तमाम चीज़ों के जरिए आमतौर पर लोग करते हैं ट्रेन के नीचे आकर के। लेकिन छत के ऊपर में इस तरीके से शव का मिलना अपने आप में हत्या की तरफ ही आशंका जताने के लिए बहुत काफ़ी है। हालांकि पुलिस इन तमाम चीज़ों को लेकर के जाँच पड़ताल कर रही है, क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, क्या इस शख्स ने आत्महत्या की है या फिर किसी शख्स ने साजिशन इस शख्स को मौत के घाट उतारा है, तमाम चीज़ों की पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन अभी तक ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल यही है वो डिजीज, यानी कि डिजीज शख्स की तस्वीर, जो मृतक है उसकी तस्वीर है। अब ये मौत नेचुरल है या फिर इस मौत के पीछे कोई साजिश है, किसी दूसरे की साजिश है, हत्या है, हत्या किसने की, उसके पीछे की वजह क्या रही, कौन कौन लोग इस हत्या में शामिल रहे और पूरा मामला क्या रहा, पूरा प्रकरण क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस अपनी जाँच पड़ताल को इस वक्त आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक मकान, उस मकान की एक छत के ऊपर एक शख्स का शव, और वो भी शव जिस हाल में मिला है वो खून से लथपथ है। वो शव खून बिखरा हुआ है, उसके जिस्म से लेकर के आसपास में वहां पर खून बिखरा हुआ है। सवाल ये है कि इंसान खुद से अगर आत्महत्या करता है तो क्या इस तरह की चीजें आमतौर पर दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। अगर उसकी हत्या होती है तो आमतौर पर ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब ऐसी स्थिति में पुलिस अभी तक किसी उस ब्रेक थ्रू तक नहीं पहुंच सकी है जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को आगे ले जाएगी। हमारे सहयोगी आरके पाल फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरके पाल, जाहिर तौर पर कोहराम मचा हुआ, एक परिवार का एक सदस्य जिसकी मौत हुई है, खून में लथपथ है वो शव, हत्या या आत्महत्या, पुलिस क्या कह रही है, जाँच पड़ताल में कोई चीज सामने आई? आपको बता दें, लखनऊ के थाना मलियाबाद इलाके के कुछ बहरी गांव है जहां पे एक युवक का शव खून से लथपथ मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी परिजनों ने। पुलिस मौके पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी किया। वही आपको बता दें कि इस अभी पुलिस उलझी हुई है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है, अभी पूरी तरह से केस है नहीं पता चल पा रहा। पुलिस ने अभी जो बताया जो की पोस्टमार्टम के बाद ही जो क्लियर हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आरके पाल इन तमाम जानकारी के लिए।